इतना सोच लीजिएगा, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी रहनी चाहिए। क्योंकि जो भी चीजें होती मैं इस भारत यात्रा के बाद मैं एवरेस्ट से चढ़ने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंडिया टूर लड़ने वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊँ। यात्रा करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने माइंड ऑलरेडी सेट करके निकल चुका था कि भले ही लोगों के घर पे रिक्वेस्ट करके रुकूंगा, भले ही लोगों से रिक्वेस्ट करके खाना मांग के खा लूंगा, लेकिन अपना मिशन और अपना हिंदुस्तान घूम कर रहूंगा। और यही तो ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ज़्यादा बाथरूम सामान है मेरे यहाँ ही रखो ना, रात को इधर ही आ। कैसे हो? आपका हार्दिक स्वागत है भरत बोधन गाँव में, तालाब के किनारे में। खाना है प्रदीप जी। अच्छा, तो इनको सम्मान करके आज उनका सुहाग दिन है। अच्छा। उनकी साइकिलिंग कहाँ है भाई? यहाँ लाओ थी आज मैं उनका सुहाग दिवस है। आप पहनाइए, आप आइए, वो तो शूटिंग उतारने वाले है, जाना कोई ले लेना। क्या है किशोर काका? आओ यहाँ ऊपर, ये पहना। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं बरबोधान के बहुत ही बढ़िया तालाब के किनारे और हमारे अचीवमेंट वाले व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों। और हमारे बीच में ऐसे आज व्यक्ति आए हुए हैं जो बहुत ही उपलब्धि ये भारत में कर रहे हैं। और यहाँ पे एक ट्रैक्टर आ रहा है, हम थोड़ी जगह कर देंगे उसके लिए। ये भी एक निशानी है डिसिप्लिन, साइक्लिस्ट हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। तो दोस्तों हमारे बीच में मेहुल भाई जो है, और मेहुल भाई हमारे यहाँ आज साइकिलिंग लॉन्चिंग है उसका, आज साइकिलिंग सुहाग दिन है। और हमारे प्रदीप जी यहाँ पे हाजिर है, प्रदीप जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और प्रदीप जी प्यारा सा मेडल है और इसमें लिखा है रोज 75 मिनट साइकिल चलाओ और कैंसर से 90% दूर रहो। आप मेहुल भाई को ये पहना ही है और आपके हस्तक ये पहनाना है, बाकी का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मेहुल जी के लिए जोरदार ताली, और आप कोई शुभकामना संदेश दीजिए इनके लिए, इनके लिए मेहुल जी के लिए कि आज साइकिल लॉन्चिंग है और आने वाले समय में एक गुटका भी छोड़ने वाले हैं, इनके लिए कुछ मैसेज हो जाए। आइए आइए इधर आइए। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग क्या होता है कि आपकी लाइफ भी, आपकी प्रेजेंट की लाइफ ही नहीं, आपकी पूरी फ्यूचर की लाइफ ही पूरी बदल सकती है, बदलती है। साइकिलिंग करने से आपका हेल्थ पूरा सही हो जाता है, आपका आपके इन्वायरमेंट पे भी पूरा इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आपकी बॉडी भी फिट रहती है, आसपास के पॉल्यूशन को भी आप थोड़ा कंट्रोल करने में एक योगदान देते हैं। तो यही चीज़ है, आप लोग साइकिलिंग करिए, एवरीडे करिए, क्योंकि साइकिलिंग करने से ही सब कुछ दूर हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है, हेल्थ को बहुत बड़ा इशू लेके आज के डेट में चला जा रहा है। और आज मैं सूरत में हूँ और सूरत के लिए बस यही एक मैसेज है कि आपके पास सब कुछ है मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पास एक ही चीज़ नहीं है, वो हेल्थ है। तो पहले आप अपने हेल्थ को फोकस मारिए, क्योंकि लाइफ में आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो कोई भी चीज़ लेके आए नहीं थे ना ही लेके जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, आपकी हेल्थ ही सब कुछ है। जीना सब कोई चाहता है लेकिन मरना भी कोई नहीं चाहता है। तो आपको हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितना आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं उतना आपको साइकिलिंग, रनिंग या वॉकिंग करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा सूरत में आके कि यहाँ के लोग अपने इन्वायरमेंट, अपने हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी, सूरत के सभी वासियों से मैं एक अनुरोध करता हूँ कि साइकिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होके अपने सिटी को बचाइए और अपने हेल्थ को भी बचाइए। जेब में गांधी नहीं है तो चलेगा, मगर दिल में गांधी। यस यस। कोई भी काम करने से
पहले इतना सोच लीजिएगा, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी रहनी चाहिए। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं सभी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सोच के ऊपर। अगर आपके अंदर कोई भी बीमारियां हैं तभी तक हैं जब तक आपकी सोच में, अगर आपकी सोच में वो बीमारियां नहीं है तो कितना हो आपकी बॉडी में बीमारी रहेगी वो आपके शरीर में नहीं रहने वाली है। क्योंकि जो भी एक कहावत है कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस की जाती है उतनी ही लगती है, सही बात। तो महसूस मत करिए और सोचिए मत, क्योंकि जितना उस चीज़ को अंदर बैठा के रखेंगे वो उतना वो चीज़ आपके साथ चलती रहेगी। तो इसको बोलिए भाई साहब आप थोड़ा साइड में रहिए, हमें थोड़ा साइकिलिंग करने दीजिए। तो यही चीज़ आप साइकिलिंग करते रहिए, बाकी तो सब कुछ होता जाएगा। मेहुल भाई को अभिनंदन। और जाओ जाओ आप ना, उसको तो वो तो भाई अपना ही आदमी है। अच्छा अपना तो साइकिल से आना चाहिए यार, ये नेशनल चैंपियन है। अरे यार नेशनल गेम में गया था, आया डायरेक्ट यहाँ पे आया। चलो कोई ना। अच्छा वो बीच सर तो आप निकल भी नहीं पा रहे। हाँ वो भी चीज मैं मानता हूँ, और ये भी चीज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वक्त से पहले अगर कोई भी चीज होने लगे ना तो कुछ ना कुछ हमेशा बेटर ही होता है। नमस्कार मित्रों, जो भारत की भ्रमण यात्रा में निकल चुके हैं, ऐसे प्रदीप जी के साथ आए हैं गौतम जी, दिलीप जी, और यहाँ पे ये हमारा बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे दिलीप जी आपको घाट देंगे, यहाँ पे सीधी दिशा में आपको रखना है। और दोस्तों हमारे बीच में प्रदीप जी आ चुके हैं, और प्रदीप जी के साथ हमारे किशोर काका कहाँ गए? किशोर जी यंग एंड डायनामिक, जो अभी दोस्तों थोड़ी देर में, आज चंडी परवा है और चंडी परवा में संगत की गाड़ी अगर किसी ने नहीं खाई तो अपने आप को नसीब वाला मत समझना, क्योंकि नसीब वाला वही है जो संगत की गाड़ी। और बहुत ही बढ़िया गाड़ी का यहाँ पे कटिंग हो रहा है, और जेवड़ा जो सूरत का है वो जबरदस्त। थोड़ी देर में यहाँ पे हमारा आस्था ग्रुप चंडी पड़वा का जो त्योहार होता है घारी और चिवड़ा का, वो मनाने जा रहा है। भार्गव जी ये ग्रोप्रो में बहुत बढ़िया से प्रदीप जी का वीडियो कैप्चरिंग हो रहा है यहाँ पे, और एक एक लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ। एक एक लोग आ जाइए, बहुत ही बढ़िया फोटो यहाँ पे हमारे कोच श्री योगेश जी ले रहे है, और ये दिलीप जी आए, और गौतम भाई, इसको बोलते हैं हम राम लखन, क्या जोड़ी है। और दोनों भाई समझ के साइकिलिंग चला रहे हैं, एक कुटुंब के लिए एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और दिलीप जी आप शुभकामना दीजिए, बारी बारी से एक एक लोग आएंगे, प्रदीप जी को शुभकामना देंगे, फिर प्रदीप जी को हम सुनेंगे। देखो अयोध्या में से राम भगवान निकले थे, घूमते 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 सब राक्षसों को मारते मारते उसने पूरा राम राज किया। क्या तो प्रदीप जी ने भी ऐसा सोचा है कि मैं पोल्यूशन से सब लोगों को मुक्त करूं, वो भी यूपी से निकले हुए। क्या बात है। तो आज धीरे 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 12वां स्टेट निकले, 13वें में यहाँ पे आए है, तो ये गुजरात में है, गुजरात की भूमि ऐसी है, कर्म भूमि ऐसी है। देखो छप्पैये में भगवान स्वामीनारायण भगवान ने जन्म लिया तो फिर भी उसका कर्म भूमि गुजरात हुई, राम भगवान ने जो जन्म लिया वहाँ पे तो वो भी कर्मभूमि उसकी गुजरात की हुई, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया यूपी में तो कर्मभूमि गुजरात में हुई। आपका गुजरात में स्वागत है, आप जो पर्पज से निकले हो वो आपका मनोकामना पूरी हुए हो जावे, ऐसे हम दिल से प्रार्थना करते हैं। तो आपके साथ हर जगह हम आपके साथ रहेंगे। क्या बात है, क्या बात। प्रदीप जी अगर आपके इंस्टा में लाइव करना है, ये कैमरा में कैद करना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये हमारा पेज है उसमें तो आपका रिकॉर्ड हो ही रहा है। सारी टीम को मैं बुलाना चाहूंगा, प्रदीप जी के आसपास आ जाइए। आस्था ग्रुप की तरफ से एक बेस्ट मेडल देने वाले हैं, और 3 दिन पहले ही हम लोग ऐसी यात्रा में गए थे कि 75 मिनट रोज साइकिल चलाइए और हार्ट अटैक से 90% श्योरिटी मेरी है कि हार्ट अटैक नहीं आएगा साइकिलिंग चलाने से। और नितिन जी इस साइड आ जाइए आप, और मैं अभी कैमरा को आड़ा करूंगा तभी हमारी पूरी टीम आएगी। और हमारे बीच में ऐसे एक व्यक्ति है जो सूरत से बहुत ही गोल्डन मैन कहा जाता है साइकिलिंग में, ऐसे हमारे योगेश जी। आप मेहुल जी इनका ये गोप्रो ले लीजिए, आप में कैमरा में कैद मत कीजिए, इसमें लाइव आ चुका है और डबल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों कहने की बात है, ये हमारे योगेश कटारिया जी, और ये गोल्ड मेडल पहनाएंगे हमारे प्रदीप जी को और हमारी पूरी आस्था टीम के बीच में से। और किशोर काका आप भी साथ में आ जाइए थोड़ा,
आप भी, आप और योगेश मिलके बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गोल्ड मेडल और जोरदार तालियों से, जी हाँ, और आप वहीं खड़े रहना, एक एक लोग प्रदीप जी के बारे में जो शुभेच्छा देनी है वो देने वाले हैं। और योगेश जी कतारिया, जो प्रदीप जी को मालूम हो कि मैसाना से गुरु शिखर यानी माउंट आबू है, वहां पे साइकिलिंग की रेस में नंबर वन आए थे, हमारे योगेश के लिए जोरदार एक बार ताली। और 750 किलोमीटर की जो हमारी यात्रा थी उसमें कोचिंग बहुत ही अच्छा योगेश ने किया था। और दोस्तों अभी फोन क्या, एक बहुत ही बढ़िया सो ये रहा इस गांव का नेचर, इतना खूबसूरत आप लोग देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे सभी साइकिलिस्ट आए हैं, ये चारों तरफ का एरिया है, मस्त। मुझे पूरी दुनिया जाना है, मैं इंडिया who is self-motivated and who has faced all the difficulties and abnormalities during this journey. So really, we are thankful to you, sir, for coming here, accepting our invitation and sharing your experiences. आपने जो यहाँ के हमारे बच्चों को भी motivate किया है, तो I hope कि इसमें से कोई ना कोई बच्चा तो इसमें से कुछ सीख लेते ही जाएगा और अपना कुछ मिशन भी आज डिसाइड करके जाएगा कि मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, क्योंकि लड़कियों से कोई बच्चे नहीं आए थे। सो आई होप कि मोटिवेशन वहां पर भी पहुंचा होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड होप टू सी यू वंस अगेन इन फ्यूचर। फिर सर आपका धन्यवाद और आपके और एक्सपीरियंस बताइए। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं, जॉब ही सब कुछ नहीं है, जॉब से हट के भी एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपनी फ्यूचर बना सकते हैं। ये चीज है, मैं एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इसको मानिए और आप अपने जीवन में इसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। उसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक फील्ड में आजकल एक फ्यूचर बन चुका है, आई थिंक। तो ये चीज है। यात्रा करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने माइंड ऑलरेडी सेट करके निकल चुका था कि भले ही लोगों के घर पे रिक्वेस्ट करके रुकूंगा, भले ही लोगों से रिक्वेस्ट करके खाना मांग के खा लूंगा, लेकिन अपना मिशन और अपना हिंदुस्तान घूम कर रहूंगा। और इस यात्रा के बाद मैं इस भारत यात्रा के बाद मैं एवरेस्ट से चढ़ने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंडिया टू लंडन वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊँगा। मेरा सोशल लिंक भी है, सोलो ट्रैवल ट्रैकर के नाम से यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर,
मैं उसके लोगों को दिखाता हूँ कि बिना पैसों में भी भारत यात्रा कैसे की जा सकती है, और ये भी दिखाता हूँ कि हमारा देश आज भी कितना सुंदर है और कितने सपोर्टिव लोग हैं। थैंक यू।